कहीं भी संविधान में पढ़ेंगे या कोई भी, तो इसका दो ही चीज बनता है। पहली बात तो क्या है, भारत, और दूसरा है इसका, और जहाँ भी मेंशन है हिंदुस्तान या ये सब पुराने इतिहास, जैसे कोई राष्ट्रवादी इतिहास का जो होगा वो भारत और इंडिया, ठीक। अलग अलग तरह के इतिहासकार आते हैं, जैसे कुछ होते हैं तुम्हारे, उसको क्या कर सकते हो, धार्मिक, धर्म से जुड़े तो उसको कहेंगे हिंदुस्तान, ठीक है। लेकिन असल में जो संविधान में है वो दो ही नाम का मेंशन है, वो भारत और इंडिया। तो पहले तो अगर हम लोग ले ले डायरेक्शन, तो ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में साउथ, और ये हो गया मेरा ईस्ट, ये हो गया भारत। टोटली 7 देशों से स्थल सीमा से रहता है, लैंड, ठीक है। बोलो, श्रीलंका स्थल सीमा नहीं है, जल सीमा, अभी बताएंगे। पहली बात तो इधर वाला जो तुम्हारा एरिया है वो है पाकिस्तान, ठीक है, और ये है अफगानिस्तान। और ये तुम्हारा है चीन, ये है नेपाल, ये है भूटान, अफगानिस्तान, ठीक है, ये है बांग्लादेश, और ये है म्यांमार। बर्मा कहा जाता था, ठीक है। तो कुल कितना देश हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब है कि इसका सिर्फ स्थल सीमा जो है वो 7 देशों के साथ है, स्थल और जल दोनों, ठीक है। मतलब वो लैंड एरिया भी शेयर कर रहा है और कुछ इधर से वाटर एरिया भी शेयर कर रहा है। उसमें 3 देश है, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो इसमें कितना है स्थल और जल से क्लियर है, कौन सिर्फ जल है, स्थल जल नहीं है, सिर्फ जल, स्थल जल दोनों। अब जो सिर्फ जल से है उसमें है 2 देश, सबसे पहले तो श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। ये जो एरिया है ये मालदीव है, ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जनरली जो तुम्हारे कितने द्वीप है, तो इसमें ना द्वीप तुम्हारा हो गया, सबसे पहली बात तो ये है इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, और ये हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये कौन महासागर, हिंद महासागर। तो इधर जो है आपका टोटली 43 द्वीप, 43 द्वीप, अरब सागर, हम क्या कह रहे हैं अरब सागर। और सिर्फ पूछा जाए कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, इसमें हो जाएगा तुम्हारा 36। पूरे भारत के पास 247 द्वीप है, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितना द्वीप हुआ, 204 बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और 43 अरब सागर में, दोनों में आगे कितना हुआ 247। अब है कि बांग्लादेश सबसे जो बड़ी स्थल सीमा वो किसके साथ शेयर करता है, तो 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, और इसका जो सबसे छोटा सीमा है वो 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ है। और इसका जो टोटल स्थल सीमा है लेकर यहाँ से जो आता है ऐसे करके, ये टोटली 15,200 किलोमीटर। और ये तुम्हारा 6,000 समथिंग किलोमीटर केवल जल, ठीक। और जब मुख्य भूमि का जल लिया जाता है, मतलब भारत का मुख्य भूमि क्या है, ये वाला एरिया, अगर सबको जोड़ लिया जाए लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, तो ये 7,000 समथिंग चला जाए, ठीक है। ये 6,000 सिर्फ मुख्य भूमि का, ये
और अगर अंडमान निकोबारी समूह और लक्षद्वीप को मिला दिया जाए तो ये 7500 समथिंग या 516 आता है। अब आता है कि इसका जो सबसे उत्तरी भाग है वो जम्मू कश्मीर में है, ऐसे अभी लद्दाख में होगा, वो जो है अभी लद्दाख में उसका नाम है इंदिरा कौर। सबसे उत्तरी जो है वो है इंदिरा कौर, सबसे दक्षिणी जो है वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी वो है कन्याकुमारी, मुख्य भूमिका कन्याकुमारी, लेकिन सबसे दक्षिणी पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट और सबसे उत्तरी पूछा जाए तो इंदिरा कौर। और सबसे ये जो है पश्चिमी में आता है तुम्हारा सर क्रीक करके था, सर क्रीक, ठीक है, ऐसे इसका नाम कन्फर्म नहीं, ये गुजरात में और ये कुछ बंगलोक करके था, बंगलोक करके ये अरुणाचल प्रदेश। अब देखो ये तो जनरली अब पॉइंट देखिए कौन का है। 1896 में जब अंग्रेज यहाँ थे तो भारत पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ? 1947 में। हम बात कब की कर रहे हैं? 1896 में अंग्रेजों के द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच में रेखा खींची गई, इसका नाम है डुरंग रेखा, डुरंग रेखा। और फिर से 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सर रेडक्लिफ के द्वारा एक रेखा खींची गई, उसका नाम है रेडक्लिफ। और 1916 में एक रेखा खींची गई भारत और चाइना के बीच, उसका नाम है मैक मून, ठीक है। बाघा बॉर्डर, तो बाघा बॉर्डर है का अमृतसर में, ठीक है, पंजाब में बाघा बॉर्डर। अब आता है कि भारत को दो भागों में बांटने वाली एक रेखा भी है और एक पर्वत श्रृंखला भी है। तो अगर रेखा को लिया जाए तो ये आपकी कर्क रेखा, इसका मान 23.5 और ये टोटली 8 राज्यों से होगा, रचने का कोई जरूरत नहीं है। अगर मैप याद है आपको तो बहुत चीज तक, देखो ज्योग्राफी सिंपली मैप का कहते हैं, मैप याद है बहुत चीजों को याद हो जाए। सबसे पहली बात गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, कितना राज्य हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पश्चिम बंगाल, ठीक है, 8, ठीक है, कितना राज्य हो गया? 8, गुजरात, राजस्थान यहाँ पे है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मालवा भी कहा जाता था पुराने समय में इतिहास, सर इसको हार्ट ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, सेंट्रल बीच में तो वही है हार्ट ऑफ इंडिया, हाँ कह सकते हैं, बीच में हार्ट का अलग अलग मीनिंग हो जाएगा, अगर हार्ट कहोगी तो दिल्ली कह सकती है, दिल्ली है, मुंबई है, नहीं बीच में, हाँ तो पहले तो तुम्हारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, झारखंड बीच में छोड़ी, ठीक है। और पूछा जाए एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमको लगता है कि जनरली 4-5 एग्जाम दोगे तो 2-3 में आ ही जाएगा कि कौन सा ऐसा शहर है जो कर्क रेखा रेखा पर स्थित है? रांची, ठीक है, झारखंड का कैपिटल रांची और वो कर्क रेखा पर ही स्थित है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बड़ी होगी, ये तुम्हारा देशांतर, ये सॉरी ऊपर नीचे से देशांतर हो जाएगा, नीचे नीचे अक्षांशीय, ऐसे नीचे नीचे तुम्हारा लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड, ये तुम्हारा जनरली तुम्हारे क्लास के हिसाब से या कितना है उस हिसाब से बता दिए। अब बोलोगे तो इसमें नदी के बारे में तुम बता दो, उसको नॉर्वे में उसको क्या कहा जाता है, जापान क्योंकि सबसे पूर्वी भाग में देखो ईस्ट है ना, और यूएसए को नहीं, ब्रिटेन को कहा जाता है डूबते सूर्य का देश,
अब इसके पीछे का क्या राज है? नॉर्वे, नॉर्वे किसी चीज का सूरज के लिए होता होगा। ऐसे हम तो जापान पढ़े हैं कि जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है। यहाँ है जापान, ये ऊपर में तुम्हारा ताइवान आ जाएगा, जिसमें चाइना हमला कर।